गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है। आई होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं भी यार मस्त हूँ। टेंशन तो वैसे ज्यादा नहीं है, पर थोड़ी बहुत हो जाती है, पर कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ऐसी है कि दिगांता भाई को पड़ गया अर्जेंसी का काम घर में, मतलब घर में कोई काम होगा फैमिली वैमिली का, तो उन्होंने फोन किया है घर आ जाओ जल्दी। तो दिगांता भाई को अर्जेंसी में निकलना पड़ रहा है, तो दिगांता भाई आज ही जा रहे हैं यहाँ से हेरिटेज विलेज से सीधा गुवाहाटी की तरफ। और दिगांता भाई बाय बाय। सो अब हम यहाँ पर अकेले हैं, मतलब कि अभी तो मेरे पास टेंट भी नहीं है, टेंट आ जाएगा। मैंने एक दोस्त को फोन कर दिया और टेंट लेके आ रहा है, पर कोई दिक्कत नहीं है। अपन ना आज मतलब यहाँ से टैक्सी वैक्सी करके घूमने जाएंगे, कहीं ना कहीं एक नई लोकेशन भी एक्सप्लोर करने जाएंगे। और कल रात को हम आ गए थे वापस वही व्यू पॉइंट पे जहाँ पे हम परसों सुबह थे, तो मजा भी आया था कल रात में, क्योंकि कल रात को सब टाइम से सो गए थे, किसी ने परेशान नहीं किया। और भाई साहब बड़ो भाई इधर बैठे हैं। ओहो, कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं कहना चाहिए। कल एनर्जी ज्यादा लग गई, इनकी तभी डाउन हो गए हैं। और मेरा यार गला भी खराब हो गया पूरा, ऐसा लग रहा पता नहीं क्या हो गया, इतना चीख चिल्लाड़ा मचाया ना कल हमने पूरे शहर में बहुत खतरनाक। और अभी ना पता है क्या, फेस पे इचिंग भी हो रही है, जो पेंट कराया था ना कल फेस पे, उसका भी बहुत अजीब सा लग रहा है। कई लोग बता रहे हैं कि दाढ़ी में भी ना अभी हल्का हल्का लगा हुआ है। कोई बात नहीं, मुंह हाथ धोते, नहाते धोते और पगड़ी भी बांध लेते हैं। बाय बाय भाई, मिलेगा। तो दोस्तों बात कुछ ऐसी है, कुछ नहीं होगा आईफोन को, इतना पैसा है कहाँ लेके जाएगा। भाई वाह, सबसे आप ऐसा लड़के के पास अपने देख लो भाई। अरे व्यूअर्स को ये सब कहने की बातें होती है, सेकंड हैंड देखो मेरे पास बस तो पोको नहीं लगा है। मेरे पास तो 15,000 का पोको है भाई, सस्ता वाला। लेकिन आईफोन आने वाला है, ऑर्डर दिया है 14 भाई। उल्लू बना रहा है सब अपने मन से नहीं। भाई बात कुछ ऐसी, गले की तो बिल्कुल हालत खराब हो चुकी है। प्लानिंग बनती है, प्लानिंग टूट रही है, प्लानिंग बन रही है, प्लानिंग टूट रही है। पहले हमारा था जूको वैली जाने का प्लान, ठीक है, जूको वैली का प्लान कैंसिल हुआ, क्योंकि यार जूको वैली ना बहुत सारे ऑलरेडी लोग गए हुए थे, तो सेम कंटेंट बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था अपना, ठीक है। तो सेकंड प्लान अपना बना कि हम यहाँ से जाएंगे कहाँ जाने वाले थे, जुलू के जाने वाले थे। जुलू को ही जाने के लिए हमें अर्ली मॉर्निंग निकलना था, क्योंकि यहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर है और चेकिंग करके जाना है, तो इसलिए जुलू को भी नहीं जा सकते। तो आज प्लान में ये चेंजेस आ गई हैं कि आज ना आ रहे बहुत सारे राइडर्स, तो राइडर्स से कन्वर्सेट करेंगे। और आज फेस्टिवल में ना म्यूजिक बैंड भी आ रहा है बहुत अच्छा, तो उसे भी देखेंगे, मजे करेंगे, ठीक है। और कल का वीडियो तो थोड़ा मैं मना नहीं पाया, तो आज का वीडियो मस्त होने वाला है काफी ज्यादा, क्योंकि कल मैंने सोचा था जो वीडियो बनाया था ना वो वीडियो में एक मतलब जूको वैली और उन सब के लिए रखूंगा, पर वो आगे काम आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई का वॉइस तो चला गया, और दो और भी मतलब वो है, खुशखबरी है, सुपर बाइक कुछ नहीं है। अभी समझ लो महीने तो कुछ नहीं है, ठीक है। अभी मेरी बात सुनो, मेरा गले का, अरे मेरी बात सुनो तो सही, मेरा गले का बुरा हालत खराब है, बस थोड़ा सा मेहनत कर लेना, ठीक है। मैं थोड़ी सी मेहनत करने की कोशिश करूंगा, पक्की बात है। चलो चलते बाहर घूम के आते हैं। दोस्तों हम लोग निकल पड़े हैं वापस रास्ते पे अपने सफर पे, मतलब कि हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए। और टेंट भाई के पास एक ही रह गया और ये दोनों भाई सो रहे हैं उसमें। या तो आज इनके साथ घुछड़ मुछुड़ होना पड़ेगा मुझे। भाई घुसने दोगे नहीं घुसने दोगे? नहीं देगा। कैसा दोस्त है रे मेरा, कैसा दोस्त है, मैं इसको बाहर फेंक देगा, इसके टेंट में घुस जाएगा। नहीं नहीं भाई यार, सब सके तो कर देना। नहीं भाई को सोने देगा, देखता है कोई ना कोई जुगाड़ मिल ही जाएगा। So, जैसे कि मैंने कहा था ना, आज बाइकर्स बहुत ज्यादा आने वाले हैं, क्योंकि बाइकर्स वीक चल रहा था ना, तो वो खत्म हो गया है, तो अब बाइकर्स का तो आना बनता ही था। भर के बाइकर्स भाई, अरुणाचल, मणिपुर, भाई पता नहीं कहाँ कहाँ से आए, बहुत सारी जगहों से आए हुए हैं। और बाप रे, बाइकर्स वीक में ना नॉर्थ ईस्ट में बहुत तगड़ा चलता है, ठीक है ना, वही खत्म हुआ है, वहां से ये लोग आए हैं। और आज मैंने ना 50 रुपए बचा लिए, ये वाली वही पर्ची है जो मेरा इससे 2 दिन पहले ली थी। सारे तरफ बाइक ही बाइक है, चारों तरफ खतरनाक। तो आज अभी तक का सबसे ज्यादा खतरनाक रौनक मिला है, क्योंकि सारे राइडर्स लगभग यहीं पर आ गए हैं उठ के। दीमापुर में हो रहा था ना फेस्टिवल। सो फाइनली मुझे पूरा 1 घंटा हो गया, पर मैंने एक राइडर ढूंढ ही लिया जो बहुत ही दूर से आया, अत से भी दूर, मतलब गोवा से बंदे आए हुए हैं भाई, खतरनाक भाई, गोवा से आए भाई। व्हाट इज योर नेम? आई एम अनिल, अनिल, एंड वी आर पार्ट ऑफ द सी राइडर्स कम्युनिटी। विक्रांत, विक्रांत। सो भाई ये भी अलग ही एक्साइटमेंट है, गोवा से बंदा बिल्कुल एक एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट में आ गया बंदा, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आके?
मेरा यहाँ पे सेकंड टाइम है, लेकिन बॉम्बे फेस्टिवल फर्स्ट टाइम है, डेफिनेटली आई एम लविंग इट। बहुत अच्छा। तो आप इससे पहले मेरे ख्याल से बाइकर्स वीक में होंगे? नहीं, बाइकर्स वीक में नहीं जा पाया मैं। अच्छा, बाकी अच्छा। बहुत सारे लोग गए हैं, हमारा खुद का ग्रुप भी उधर रिप्रेजेंट हुआ था। पर आई कैन श्योरली से आपको यहाँ ज्यादा मजा आएगा, बहुत ज्यादा। चलो एंजॉय करो आप, मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि गोवा से आता है। Actually, we just want to convey message also. Actually, we are from Indian Navy. Yeah. And we have come here as part of a very noble aim. Basically, our aim is to convey a message about the Indian Navy to all the youth out there. So we have been going around the countryside in northeast part in last 2 weeks, and our aim is to encourage the youth to join the Indian Navy. Oh, that's good. That's too cool. सबको ज्वाइन करना चाहिए आर्मी को। मेरा भी मन था पर मैं मतलब लिया नहीं उन्होंने मुझे। अभी लोग आपका YouTube चैनल देखेंगे, that is more important. वहाँ से सारे मैसेज कन्वे कर दिए। बिल्कुल। Thank you, Ashley. Thank you very much. Thank you. सो सेकंड बंदा हमें मिला मणिपुर से, है तो पास से ही पर भाई ना काफी टाइम हो गया राइड करते हुए। कितना टाइम हो गया आपको राइड करते हुए? 5 years. 5 years हो गया भाई। आपने बारे में बताओ, आपका ग्रुप का इतना टाइम पुराना है? My club is called Royal Riders Sandel. Okay. From Manipur. Manipur. Yeah. और कितने साल पुराना ग्रुप? 6 years. 6 years पुराना है। और अभी आप बाइकर्स वीक गए थे? बाइकर्स वीक गए थे, बाइकर्स वीक जो फेस्टिवल चल रहा है। Yeah, we said that. No, it's called North East Riders Meet. Riders Meet. Whereby we have riders from 4 countries, including India. Including India. Yeah, we have riders from Nepal. Speak in Hindi. Can you speak in Hindi? I'm not strong in Hindi. कोई बात नहीं। People from Nepal. Nepal से भी लोग आ रखे थे। Bhutan. India के अलावा 4 countries और भी थी जहाँ से लोग आए थे। Bhutan से आए थे, Nepal और and then one other country, which one was that? सो मैनी कंट्रीज है, सो 4 countries थी लगभग। मेन मेरा मेन फोकस ये था कि आपको मतलब कि आप पहले से आए हो फेस्टिवल के अंदर, नागा फेस्टिवल में? नाउ दिस लाइक 4 times, 4 बार हो गया। सो आपको दोनों फेस्टिवल में सबसे फेस्टिवल ज्यादा पसंद कौन सा? बीइंग अ बाइकर, टेल मी। बीइंग अ बाइकर, व्हेरेवर एनीवेयर बाइकर्स मीट इज द बेस्ट। राइडर्स मीट, नहीं, यू विल लव दिस फेस्टिवल आल्सो। आई लव इट, आई हैव बीन हियर 4 times लाइक। चलो दिल से राइडर है, खून में राइडर का खून चलता है। चलो कोई नहीं, ये भी अच्छी है चीज कि भाई को बाइकर्स वीक भी पसंद आया, और वैसे भी बाइकर्स को तो बाइकर वीक पसंद आएगा। आई एम ऑल्सो बाइकर, कम्प्लीटेड लद्दाख, मतलब मैंने लद्दाख की राइड भी कम्प्लीट कर ली, और मतलब काफी जगह कम्प्लीट किया, हिमाचल, उत्तराखंड, सब किया। चलो मिलते हैं। सो आज तो कुछ अलग ही होने वाला है भाई। फॉरनर से बाहर से चीफ गेस्ट आए हैं, वो फाइट करने वाले हैं अपने कचहरी ट्राइब वालों से। Him while we brief him on the rules, we will have the final bout, which is the winner of the first bout and the second bout. चीफ गेस्ट परेशान हो रहा है भाई, मुझे छोड़ दो। Our guest says he doesn't need any help. He knows the rules. Sir, dress code. Sir, dress code. Sir, dress code. ओ भाई, कचारी ट्राइब की कहते हैं ऊपर का जो ड्रेस कोड होता है ना, वो पहनाया जा रहा है। Thank you.
वाह, पूरा जोर लगाते हुए ये। ओ ओ ओ, हार गए। बस बस थोड़ा सा बचा ये। सुचिव गेस्ट जीत चुके हैं। We are sad to say we have lost, but we are also glad that our chief guest is the winner of this bout. बड़े बराबरी का मैच नहीं था भाई। Ladies and gentlemen, the Claire cheating थी। I think it's all the naga pork that helped me win. It was the white, but I think you let me win. मान ले भाई अपने आप। Before you leave, the winner is always given a prize. So, वैसे तो मेरा शूट करना मन नहीं था अंदर, क्योंकि मैं वैसे भी आपको ट्राइब्स को पहले भी दिखा चुका हूँ सारी, तो आज मन नहीं था, पर मेरे को कुछ यूनिक लगा तो मेरा मन गया ये तो दिखाना बनता है। मतलब चीफ गेस्ट रखे तो उनके साथ रेसलिंग करिए, तो इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। चलते हैं कुछ खा लेते हैं यार, सुबह से कुछ खाया नहीं था, टेंशन हो रखी थी ना दिमाग में इसलिए। पर टेंशन तो रहेगी जिंदगी में, एक तो खाना और एक मुस्कुराना, ये दोनों चीज मैं जिंदगी में कभी नहीं छोड़ सकता। अरे दोनों छोड़ दी तो फिर मैं जीना ही छोड़ दूंगा ना, इसलिए चलते हैं पहले पेट पूजा कर लेते हैं। बिना पेट पूजा के तो कुछ हो नहीं सकता। फाइनली चलते चलते मैं उसी जगह पर आ चुका हूँ जो मेरी फेवरेट है, मतलब जहाँ मुझे खाना सबसे ज्यादा पसंद। NH2 पे पड़ता है, मतलब मुझे कम से कम 4 किलोमीटर नीचे आना पड़ता है यहाँ खाने के लिए, पर खाने का जो मजा है ना यहाँ पे वो कुछ अलग ही है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। चलते अंदर खाने। तो यहाँ आ चुका अपना खाना बढ़िया वाला, सारी चीज आ चुकी है, आज बस ज्वाल की क्वांटिटी कम कर दी क्योंकि मैं अकेला बैठा हूँ ना इसलिए। सो खाना वाना मैंने खा लिया है और पेट की पूजा ढंग की तरीके से हो चुकी है, और अब मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जब पेट की पूजा होगी ना तो दूसरे काम भी हो ही जाएंगे। अब ढूंढना है मुझे टेंट, किसी ना किसी का टेंट जो खाली हो, नहीं तो यार मुझे ठंड में सोना पड़ेगा और ठंड में सोना नहीं चाहता, तो कोई ना कोई तो ढूंढना पड़ेगा ना टेंट के लिए, किसी के टेंट में घुसना पड़ेगा। वैसे ही बड़ो भाई में ऑलरेडी 2 है ना, तो उसमें वैसे भी नहीं घुस सकते, और बड़ो भाई वैसे भी कंजेस्टेड होके सोते हैं बहुत ज्यादा, तो और मुश्किल होगा। टेंट भी तो बहुत छोटा सा है, जो हमारे पास टेंट था वो बहुत बड़ा था जो दिगंता भाई ले गए, तो हमें तो टेंट ढूंढना पड़ेगा अभी। खैर तो देखते हैं कहाँ मिलता है फटाफट, कोई ना कोई बंदा तो मिल ही जाएगा। ऊपर वाला वैसे मेरे साथ हमेशा रहता है, कोई ना कोई हेल्प करने जरूर भेज देता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक तो ये चावल खाने के बाद ना ऊपर चढ़ने की पूरी एनर्जी खत्म हो जाती है, पेट भर जाता है पूरा। और पूरी चढ़ाई है, उतरना तो बहुत आसान है, आराम से उतराओ, चढ़ने में हालत खराब होती है खतरनाक वाली। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं एक बैम्बू जोन में, मतलब जहाँ पे ना सारा सामान बैम्बू के एक हट के शेप में बना हुआ उसके अंदर मिल रहा होगा, ठीक है। तो वहाँ पे ना सारा नागालैंड का कल्चरल सामान मिल रहा होगा जो नागालैंड के अंदर ही मैन्युफैक्चर भी होता है, तो वो चीजें भी दिखाते हैं आपको। मतलब मैं जब अकेला होता हूँ ना तो मैं ज्यादा एक्सप्लोर करता हूँ, मैंने ऐसा फील किया है, नहीं तो ये जगह तो मतलब आज से पहले दिन से थी पर मैंने ये जगह पर नोटिस नहीं किया था। आज मैंने नोटिस किया कि और कौन सी जगह जो हम नहीं गए, तो वो जगह भी देख लेते हैं। सो हम आ चुके हैं एक दीवापुर की शॉप में, और यहाँ पे ना दाव मिल रहे हैं जो ट्रैवल लोग यूज करते हैं ना वो सारे दाव, और भाई गन्स भी है क्या, ये भी दाव है, मतलब अलग अलग स्टाइल के दाव है, सारे अलग अलग ट्राइब के, सारे ट्राइब के दाव मिलते हैं क्या, वो क्या है ऊपर गन है क्या है, सारे दाव है। तो ये आप खुद बनाते हो सारे, हैंडमेड है ना, हैंडमेड है ना, ओ मैन्युफैक्चरिंग करते हुए भी दिखा रहे हैं पूरा। कितने का है, 800 का है, 1000 का है, अलग अलग चीज है, अलग अलग चीज है। सो इसमें और इसमें फर्क क्या है, 800 का है और ये 1000 का है, ऐसा क्यों, अच्छा बड़ा छोटा है इसमें जो, अच्छा। सो अगर आप दाव लेना चाहो तो यहाँ से आ सकते हो लेने, काफी वैरायटी में है सारे दाव, और ये लोहे के हैं मेरे ख्याल से। चलते हैं आगे भी देखते हैं। सो यहाँ पे ना ज्वेलरी मिल रही है, जो लेडीज ज्वेलरी होती है ज्यादातर ट्राइब्स पहनती है ना, वो कौन सी ट्राइब पहनती है, आओ सुमी अगामी, ओह सो ये सारी चीजें मिल जाएंगी अगर आपको शौक है पहनने का। ये वैसे बहुत ब्यूटीफुल लगता है ये ऐसा पहनावा लोगों ने, लड़कियों ने, मतलब बेसिकली अच्छा लगता है काफी। चलते हैं आगे भी देखते हैं।
सो यहाँ जूट के बैग्स हैं जो इन्हों के खुद के हैंडमेड है और इनके कुछ यूटेंसिल्स हैं, मतलब खाने वाने के बड़े भारी है भाई। ये क्या मटेरियल है, किस मटेरियल का? पत्थर का है। अरे भाई पत्थर के बर्तन तो मैंने कभी नहीं देखे भाई। अच्छा है, यूनिक है। ट्रैवल ड्रेसेस तो बहुत सारी जगहों में मिल रही है यहाँ पे, मतलब आपको ट्रैवल ड्रेस लेनी हो तो यहाँ के ले सकते हो, पहनने शौकीन हो तो। वैसे गामोसा तो काफी लोग पहनते हैं। एक और दुकान मिली है अपन को यहाँ पे ना, यूटेंसिल मिले लकड़ी के भाई, लकड़ी के यूटेंसिल, पत्थर के यूटेंसिल, अरे भाई खतरनाक। इसमें वाइन ग्लास, वाह काफी खूबसूरत लग रहा है यार। प्लेट्स भी है, कप भी है लकड़ी का, काफी अच्छा है और डिफरेंट है। आप भी आके यूज कर सकते हो लेने के, आप भी आके ले सकते हो यूज करने के लिए। सो राइडर्स के बारे में बात करते रहते, मैं तो भूल गया राइडर्स के लिए भी तो बताना था। मुझे ना घूमते घूमते एक और जगह मिली, सो मुझे ना घूमते घूमते एक और बंदा मिला, मतलब वो फीमेल है और राइड कर रही है। कहाँ कहाँ राइड किया आपने? हमने अभी अभी किया है चांगलांग, बेसिकली नॉर्थ ईस्ट में ही किया है राइड। सारा नॉर्थ ईस्ट में किया, सारा नॉर्थ ईस्ट में। पर आपने राइडिंग की है लंबी लंबी ना, वो भी बहुत बड़ी चीज है क्योंकि लड़कियां बहुत कम राइड करती है ना, करनी चाहिए ना। हाँ, हाँ। और एक्सप्लोर करने को बहुत सारी चीजें मिलती है। हाँ, हाँ, बहुत और लोगों से भी इंट्रोडक्शन होता है। और अभी मैं नॉर्थ ईस्ट राइडर्स मीट अटेंड करके आ रही हूँ दीमापुर से। वहाँ पे लेडी राइडर्स रजिस्ट्रेशन 1800 का था, 1800 बट मतलब बेयरली 50 लेडी राइडर्स, ओनली 50 रफली। सो लेडीज को भी राइड करना चाहिए ना, एक्सप्लोर करने को बहुत चीजें मिलती है, मतलब आपको नई नई चीजें देखने को मिलेगी। कोशिश करो, मौका जरूर मिलेगा, मतलब आपको सपोर्ट करने के लिए बहुत लोग हैं वहाँ, सपोर्ट कर रहे हैं लेडीज को सब। सो कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम। सो हमें दोस्त मिल गया फिर से अपना एक और, पर ये थोड़ा डरावना सा है, बाकी तो क्यूट मिलते हैं ज्यादातर। ऐसे क्यों भाई, क्या यार। हेलो, कैसे हो? बस। सो पोडियम से मैं आ गया था सीधा चाय पीने के लिए, ठीक है। पोडियम में काफी मजा आया, काफी सारी चीजें देखी यूनिक यूनिक, और आपको भी दिखाई। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा पोडियम में सारी चीजें देखते देखते बैम्बू वाले। चलो चाय पी लेते हैं, चाय भी जरूरी है ना नींद खोलने के लिए। सो यहाँ चुके अपनी चाय, और पता क्या है यहाँ ना इस जगह पे बैठ के और ये चाय पीने का मजा ही अलग है। तो सिर्फ 10 रुपए की, लेकिन बैम्बू जो शेड बना हुआ है ना, इसमें बैठ के पीने का सोच नहीं सकते आप, वो वाला मजा है। दिल खुश हो गया। सो दोस्तों जिस भाई को मैंने बुलाया टेंट लेके आने का, उनका फोन तो अनरीचेबल जा रहा है, पर सो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो होंगे हॉल के अंदर जहाँ पे भी सारा कॉन्सर्ट हो रहा है, तो वहीं चलते हैं, शायद मिल जाए तो सो जाएंगे आराम। डूब गए